नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। तो जिन साथियों ने केवीएस का एग्जाम दिया था, तो मोस्टली फ्रेंड्स के जो एक्सपेक्टेड मार्क्स थे उनसे कम आ रहे हैं। जो आंसर की आई हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स हैं वो कम होते दिख रहे हैं। तो जो साथी 100 प्लस की उम्मीद लगा रहे थे तो उनके मार्क्स काफी कम होते दिख रहे हैं, 90 तक मार्क्स आ रहे हैं। तो साथियों, इसके बारे में आज हम बात करेंगे और काफी फ्रेंड्स के माइंड में क्वेश्चन है कि केवीएस की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर मार्क्स कम हुए हैं तो वो एक के कम नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एक के कम हुए हैं, वो सभी के कम हुए हैं। तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल ना लें, मार्क्स सभी के कम हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ रहेगी। अगर सभी के मार्क्स थोड़े थोड़े कम हुए हैं तो इससे क्या है कि कट ऑफ सीधी उस पे कट ऑफ पे असर पड़ेगा, तो कट ऑफ कम जाएगी। तो साथियों, अभी देखते हैं कट ऑफ के बारे में। अभी हम ऑनलाइन पोल कराने वाले हैं क्योंकि काफी साथियों की डिमांड थी कि कट ऑफ बताई जाए। तो साथियों, जो मेरा आइडिया है मैं आपको बता देता हूं। मेरा आइडिया है कि 90 प्लस अगर किसी जनरल के मार्क्स हैं तो वो सेफ जोन में है। हालांकि ये चीजें ऐसा नहीं है, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। अगर किसी के कुछ तुक्के भी सही बैठ जाए तो इससे भी मार्क्स बढ़ सकते हैं। और बात करें कैंडिडेट्स की, तो कैंडिडेट्स भी बहुत सारे थे केवीएस के एग्जाम में। तो अभी हम एक ऑनलाइन पोल कराने वाले हैं, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो आप इस पे अगर क्लिक करेंगे तो आपको अपने मार्क्स बताने हैं कि कितने मार्क्स आए हैं, और इसका रिजल्ट मैं बहुत जल्दी बता दूंगा। और ये सारी चीजें साथियों, घबराएं नहीं, जितने भी आपके मार्क्स हैं आप शेयर करें तो इससे पता चल जाएगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पे वोट करें आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, और इस अकॉर्डिंग हम कट ऑफ का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे जेन्युइन चीजें पता चलेंगी। और ऐसा नहीं कि जिन साथियों के कम मार्क्स हैं, यहां पे किसी का नाम पता नहीं चल रहा कि आपका नाम क्या है। आपको सिर्फ बताना है, वोट करना है कि कितने मार्क्स आपके हैं, और इस अकॉर्डिंग कट ऑफ का अच्छा पता चल सकता है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं चीजें समझ आई होंगी। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।